हाय फ्रेंड्स, मैं एक और बेबी केयर प्रोडक्ट के साथ आज आपके सामने आया हूं, जिसे हम कहते हैं बेबी कॉम्ब या कॉम्ब ब्रश सेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में एक कॉम्ब है, ये डबल, ये सिंगल का पैक है, ये डबल का पैक है, और ये कॉम्ब ब्रश का सेट आता है। तो बेबी का स्टार्टिंग फेज जो होता है, बेबी के सर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो एकदम टॉप का हिस्सा होता है, तो एकदम बेबी का, वो काफी सॉफ्ट होता है। काफी सॉफ्ट होने के कारण उसे उस पर हम लोग स्टार्टिंग में कॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उस समय हम लोग कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि सर मैम, बेबी के सर पे जो ऑयल वगैरह, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोई भी आप तेल लगा रहे हैं, तो उससे गंदगी अट्रैक्ट होता है, सर पे डस्ट वगैरह जम जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे सर का जो अपर स्पेस सरफेस होता है काफी सॉफ्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कॉम्ब का इस्तेमाल ना करें, उस समय हम ब्रश सजेस्ट करते हैं। तो हमारे पास में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कॉम्ब ब्रश का सेट भी है। तो पहला तो मैं बता दूं कि इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, प्रीमियम क्वालिटी पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, 100% बीपीए फ्री पॉलीप्रोपाइलिन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। और जो ब्रिसल्स में यूज किया गया है ब्रश में, ये प्योर नायलन ब्रिसल्स है। नायलन होने के कारण काफी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ये ब्रिसल्स है, काफी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ब्रिसल्स है। इसके अलावा हमारे कॉम्ब या कॉम्ब ब्रश में आप देख सकते हैं काफी कंफर्टेबल एंड इजी ग्रिप दिया गया है, ताकि मदर को कॉम्ब करने में काफी आसानी हो, इजी एंड कंफर्टेबल ग्रिप मिल जाए। इसके अलावा स्टार्टिंग में न्यू बॉर्न बेबी से आप पहले ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, जब बेबी के सर पे हल्का हल्का डस्ट वगैरह जम जाता है और डस्ट वगैरह जम को क्लीन करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रश का इस्तेमाल करने से क्या होता है, जो सर पे डस्ट वगैरह जो होता है वो इजिली क्लीन करके ब्रश निकाल देता है, और साथ में बालों को एक अच्छा सा शेप भी दे देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी हार्ड चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम कॉम्ब का सजेशन नहीं देते हैं। आफ्टर 3-4 मंथ्स हम कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी के केस में। अब हमारे कॉम्ब्स में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें चाहे इसमें, सारे एक ही कॉम्ब है, एक ही डिजाइन का है। सारे कॉम्ब्स के ऑल्टरनेट कांटों पर, ऑल्टरनेट जो तिथ इसका है, सब पे एक राउंडेड बॉल्स बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एक ऑल्टरनेट तिथ पर एक राउंडेड बॉल का बनाया हुआ है, जिससे क्या होता है, बेबी के सर को पे बिना चुभे ये इजिली ग्लाइड करके जितने भी टैंगल्स वगैरह, टैंगल्ड हेयर्स होंगे, मतलब उलझे हुए हेयर्स होंगे, बिना उन्हें खींचे या टाने हुए बड़ा आरामदायक तरीके से ये स्किड करके निकल जाता है, ग्लाइड कर और बालों को एक अच्छा सा शेप दे देता है। तो ये हमारा कॉम्ब ब्रश सेट है। तो ये दोनों, अगर आप चाहे जस्ट आफ्टर बर्थ आप कॉम्ब ब्रश सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप कॉम्ब ब्रश सेट परचेज करते हैं, इसमें ब्रश भी मिल जाता है, जो लगभग 3-4 मंथ तक ब्रश का इस्तेमाल हो जाएगा, और जब बेबी के बाल बड़े हो जाएंगे और सर का अपर सरफेस जब हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्ब में हर एक ऑल्टरनेट तिथ पे या कांटों पे एक गोलाकार का बॉल बनाया हुआ है, जो बहुत ही आसानी से ग्लाइड करके सर के बालों को एक अच्छा शेप दे देता है। और ब्रश जो है सर के ऊपर में जो जमा हुआ डस्ट वगैरह होगा या डैंड्रफ वगैरह होगा, उसे बहुत आसानी से क्लीन करके ये निकाल देता है, विदाउट किसी इंजरी, बिना किसी छिले ले, आराम से बहुत आसानी से निकाल देता, क्लीन कर देता है। होप आपको ये हमारा प्रोडक्ट और वीडियो काफी पसंद आएगा। थैंक यू।